हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे तो फ्रेंड्स कैसे हो आप सभी आई वो आप सभी अच्छे होंगे बिल्कुल ठीक होंगे मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ तो आज मैं आपके साथ जो आइडिया शेयर करने वाली हूँ जो हमारे पास बिल्कुल वेस्ट कपड़े होते हैं छोटे छोटे कपड़े होते हैं उनका यूज़ करके आज हम बहुत ही प्यारा सा एक फ्लोर मैट बनाने वाले हैं बिग साइज़ का बनाएंगे और सर्कल पूरा राउंड शेप में हम ये बनाने वाले हैं इसके लिए हमें चाहिए एक प्लास्टिक की बोरी तो एक पीस देखिए मैंने ले लिया है इसका मेज़रमेंट मैं आपको बताती हूँ पहले हमने एक सर्कल कट कर लेना है तो सर्कल कट करने के लिए हमने ये देखो यहाँ से मैंने डबल फोल्ड कर लिया इस साइड से अच्छे से फोल्ड कर लेना है और फिर दूसरी साइड से इस तरह से फोर फोल्ड करके हमने रखना है और एक सर्कल कटना कट करना है तो फ्रेंड्स यकीन मानिए अगर आपके पास छोटे छोटे कपड़े जो कि बिल्कुल वेस्ट होते हैं वो पड़े हैं तो उनको भूल के भी आप कभी भी मत फेंकिएगा क्योंकि उनसे बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें हम घर में बना सकते हैं तो देखिए यहाँ से तेरह इंच पर मैं निशान लगाऊँगी तेरह इंच का ये सर्कल है तो डबल सिंगल तेरह इंच है तो डबल करके हो गया छब्बीस इंच का काफ़ी बड़े साइज का ये बन जाएगा हमारा ये अगर आप इससे भी बड़े साइज का बनाना चाहते हैं अपने ड्राइंग रूम के लिए लिविंग रूम के लिए तो ये बहुत ही सुंदर लगता है आप बड़े साइज का भी बना सकते हैं तो देखिए इस तरह से निशान मैंने लगा लिए हैं तेरह तेरह इंच पे निशान लगाते हुए हमने एक सर्कल कट कर लेना है अगर आपको इस तरह से इजी नहीं लगता तो आप बड़े साइज की कोई पुरात ले लीजिए उसके साथ भी आप सर्कल जो है कट कर सकते हैं तो देखिए प्लास्टिक का बैग हमें चाहिए इसमें हम कोई फोम का यूज़ नहीं करने वाले हैं इसमें हम प्लास्टिक का ही ये प्लास्टिक के बैग का ही यूज़ करेंगे अब नीचे लगाने के लिए हमें कोई कपड़ा चाहिए तो मेरा ना ये सलवार थी ये देखिए पटियाला सलवार थी बहुत फुल पटियाला थी इसमें बहुत सारे जो चुन्नट थे पड़े हुए थे बेल्ट मैंने इसकी निकाल ली आप खुद देख सकते हैं कितनी बड़ी सी लग रही है ना घेरे में तो ये फुल पटियाला सलवार थी मेरा बहुत ही पुराना सूट था कम से कम ये मेरा पंद्रह से बीस साल पुराना दो हज़ार आठ का सूट है ये मेरा <laughs> आप हिसाब लगा लो बहुत ही पुराना था तो ये देखिए सर्कल को ऊपर मैंने रखा है और ये देखो लगा गाली है मैंने आप देख सकते हैं और सेम साइज़ का हमने सर्कल जो है नीचे लाइनिंग के लिए भी कट कर लेना है तो फ्रेंड्स अगर आपके पास पुराने कपड़े पड़े हो ना तो उनको आप भूल के भी मत फेंकिएगा क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें जो है हम स्क्रैप फैब्रिक और वेस्ट कपड़ों से बना सकते हैं तो मैं इसीलिए कोशिश करती हूँ कि आपको आ, हर चीज़ दिखाऊँ ताकि आपको भी पता चले कि कोई भी चीज़ वेस्ट वेस्ट नहीं होती है तो देखिए जो जब भी मैं कोई मेरे रोज़ डेली का काम है और जब भी कोई सूट भी स्टिच करती हूँ ना उसमें से छोटी छोटी भी कटिंग जो बचती है ना कतरन उसको भी मैं बिल्कुल फेंकती नहीं हूँ संभाल के रखती हूँ कोई लाइनिंग का कपड़ा हो गया सूट का हो गया जैसा मर्जी कोई पुराने कपड़े या नए कपड़े जैसे भी कपड़े मेरे पास हों तो देखिए छोटी से छोटी कतरन का भी आप यूज़ कर सकते हैं आप देखिए इस तरह से हमने भरते जाना है इसको ये देखो ये दो सर्कल बचे थे एक बार मैंने कुछ पैच वर्क किया था उसमें से बच गए थे तो वो भी मैंने इसके बीच में ही भर दिए तो देखिए पहले एक लेयर हमने कर लेनी है पूरा इसको एक बार मैंने एक लेयर जो है लगा ली है ये देखो थोड़े से बाल पड़े हो ना तो आप उनको प्रेस भी कर सकते हैं ये देखो अब छोटे से छोटे जो भी कपड़े मेरे पास पड़े हैं सभी को मैं इसके बीच में भर दूंगी और फ्रेंड्स एक बात का आपने और ध्यान रखना है जब भी आपने इस तरह के ए, मैट या कोई भी प्रोजेक्ट बनाना है इस तरह की ना आप बेड शीट बना सकते हैं आ, जो कम्फर्टर होता है ना दोहर होती है वो भी बना सकते हैं तो हमने ना इसके ऊपर से नेट लगानी है तो हमने क्या करना है नीचे कोई भी लाइट कलर का कपड़ा भर लीजिए जैसा मर्जी भर लीजिए वो आपका एक दो लेयर तो आपकी बिल्कुल भी दिखेगी नहीं जब हम लास्ट वाली लेयर भरेंगे ना उसको हम ब्राइट ब्राइट कलर भरेंगे इस तरह के अभी मैंने दो लेयर पहले लगा ली हैं अब जो लास्ट वाला है इसमें देखिए मैं इस तरह के ब्राइट ब्राइट से कलर रखूँगी ताकि नेट में से वो अच्छे से दिखे अगर लाइट ही रंग कलर रखेंगे ना तो नेट में से वो इतना अच्छे से दिखेगा नहीं तो आप देख लेना जब हम नेट ऊपर रखेंगे वाइट कलर की नेट है मेरे पास काफ़ी सारी थी ये न, चार पाँच मीटर थी मेरे पास ये तो इसका मैंने यूज़ किया है अभी और भी है मेरे पास तो कोई भी नेट का दुपट्टा भी आप ले सकते हैं या नेट फैब्रिक आ, मार्केट से भी ले सकते हैं या पुराना दुपट्टा पड़ा है उसका यूज़ भी कर सकते हैं क्योंकि फ्रेंड्स ये जो नेट फैब्रिक होता है ना सिंपल सा ये सॉफ्ट वाला काफ़ी सस्ता होता है बीस या पच्चीस रुपये का मीटर ये मिल जाता है तो देखिए ऊपर आप देख सकते हैं सारे मैंने ब्राइट ब्राइट से कलर भरे हैं ये मैंने रख लिए थे कि मैं ऊपर ऊपर ही सारे ब्राइट से कलर लगाऊंगी ताकि ये मेरा प्रोजेक्ट जो है देखने में काफ़ी सुंदर लगे अब देखिए इसको छोटा छोटा मैंने कट कर लिया ये देखो इस तरह से और सारे मैंने इसी तरह से देखो ब्राइट ब्राइट कलर से रख लिए अब देखो पूरा मैंने इसको भर लिया है ये देखो हाथ से इस तरह से दबा लेना है अब हम इसको नेट से कवर करेंगे तो फ्रेंड्स ये कतरन को यूज़ करने का सबसे आसान तरीका है कोई भी तरीका इससे आसान नहीं है ये सबसे आसान तरीका है ये जो मैं आपको बताती हूँ सबसे आसान तरीका है ये मुझे बहुत ही आसान लगता है आपको भी बहुत आसान लगेगा ये देखो अभी नेट में से दिख रहा है ना कितना सुंदर ना ही हमने छोटी छोटी कतरन को जोड़ने का हमें कोई झंझट रहा ठीक है ना बस अब हमने सारे इसमें पिनस लगा लेनी है और एक बात का ध्यान रखना है नेट बिल्कुल भी लूज़ नहीं रहनी चाहिए नहीं तो जब हम क्विल्टिंग करेंगे तो इसमें झोल आएगा नेट को ये देखिए इस तरह से सेट करते हुए बहुत सारी पिन आपने इसमें लगा लेनी है ताकि हमारा जो बीच में से कतरन है बिल्कुल भी हिले नहीं तो पिनस मैंने लगा ली हैं आप देखिए एक्स्ट्रा जो नेट है ना इसको मैं कट कर लूँगी नेट को मैंने कट कर लिया है चारों साइड से पिंस का ध्यान रखना है पिन आपने काफ़ी सारी लगानी है बिल्कुल साइड साइड में भी और बीच में भी तो अब इसको साइड पे हम सिलाई लगाएंगे ये देखो तो फ्रेंड्स देखिए सिलाई मैंने इस पर लगा ली है अब ना मैं इसमें क्विल्टिंग करने लगी थी और मैंने क्या किया क्विल्टिंग पहले मैं इस तरह से करने लगी थी सीधी सीधी फिर मेरे दिमाग में एकदम से आया कि इस तरह से ये ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा फिर मैंने इसको छोड़ दिया दूसरे तरीके से इसमें क्वल्टिंग की बिल्कुल राउंड राउंड में चलाते हुए इस तरह से ये देखो थोड़ा थोड़ा सा एक या डेढ़ इंच का गैप छोड़ते हुए ना जिस तरह का हमारा ये सर्कल है बस सेम इसी तरीके से पूरा घुमाते घुमाते हमने पूरा इसमें क्वल्टिंग कर लेनी है पहले मैं तेज़ी लाइनें लगाने लगी थी लेकिन वो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा था इसमें सर्कल में अगर हम गुलाई में ही क्विल्टिंग करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा ये देखो इस तरह से ही मैं इसमें क्विल्टिंग करती जाऊंगी और पूरा इसी तरीके से मैं इसको भर लूंगी तो so फ्रेंड्स आप खुद देख सकते हैं देखने में कितना अच्छा लग रहा है और अगर इस तरह की आप बेडशीट बनाना चाहते हो या दोहर बनाना चाहते हो तो उसके बीच में आपने क्या करना है पुरानी बेडशीट ले लेनी है और पुरानी बेडशीट में आप फोम भी रख सकते हैं फोम के ऊपर इस तरह के कतरन रख के आप उसको क्विल्ट कर सकते हैं तो पिन जो बीच बीच में आ रही है ना उनको हम निकालते जाएंगे और इस तरह से दूसरी साइड पे लगाते जाएंगे और इसी इस तरीके से पूरा इस पर कोल्टिंग कर लेंगे और फ्रेंड्स इसमें जो मैंने नीडल, नीडल का यूज़ किया है अठारह नंबर की सुई का मैंने यूज़ किया है तो आप अठारह नंबर की सुई का यूज़ करके इस तरह कोल्टिंग कर सकते हैं और एक बात का आपने और ध्यान रखना है हल, इतना ज़्यादा मोटा तो नहीं है लेकिन फिर भी तीन चार तीन लेयर हमने लगाई है थोड़ा तो हल्का सा मोटा तो हो ही जाता है ना तो आपने यहाँ पे मशीन जो है बहुत ज़्यादा स्पीड से नहीं चलानी है हल्का सा स्पीड आपने मशीन की थोड़ी सी कम रखनी है क्योंकि कहीं धागा हमारा टूट जाएगा तो सॉरी सुई टूट जाएगी तो ऐसे ही हमारा ये देखिए इस तरह से नुकसान हो जाएगा तो मशीन हमने बिल्कुल ये देखो आप देख रहे हैं मैंने बहुत ज़्यादा स्पीड से मशीन को नहीं चलाया है ये देखो पूरा गुलाई में हमें कोई निशान लगाने की इसमें ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी इसी तरीके से हम इसको पूरा भर लेंगे ये देखो कुलटिंग आप देख सकते हैं अभी मैं बैक साइड से भी आपको दिखाऊंगी तो ये देखिए इस तरह से ना पूरा सर्कल में मैंने इसको इसी तरीके से भर लिया पूरा गुलाई में तो देखिए जब ये पूरा तैयार हो जाएगा ना मैं आपको दिखाऊंगी इसका लुक बहुत ही प्यारा आया एकदम से बढ़िया इसका लुक आया है और देखिए जो आ, बिल्कुल कपड़े जो वेस्ट होते हैं ना जिनको हम बिल्कुल बेकार समझते हैं उनसे देखिए हमने बहुत ही प्यारा ये आ, फ्लोर मैट जो है बना के रेडी किया है देखिए अब हमने इस पर पट्टी लगानी है तो सर्कल के लिए हमें उरे पट्टी की ज़रूरत पड़ेगी तो ये भी मेरा पुराना प्लाजो ही था उसका ही मैंने यूज़ किया है पहले भी एक वीडियो में मैंने इसका यूज़ किया है अभी और भी इसका कपड़ा बचा है तो जब भी आपने उरे पट्टी लगानी है ना इसको बिल्कुल भी आपने खींचना नहीं है ना ही ज़्यादा ढीला छोड़ना है बस नॉर्मल सा रखना है खींचना नहीं है अगर आप खींचोगे ना तो आपका ये सर्कल जो है आपका इकट्ठा हो जाएगा आपकी ये पाइपिंग जो है ना फिनिशिंग के साथ नहीं आएगी और वो इकट्ठा कर इकट्ठा सा हो जाएगा अब देखिए सीधी साइड को इस तरह से सीधा करते हुए हमने एक बराबर सी इस तरह से पाइपिंग सी निकालनी है बहुत ही इजी होता है ये पट्टी लगा के ना फिनिशिंग के साथ आ जाती है ये पट्टी और क्या होता है इस पर बस एक बात का ही ध्यान रखना मैं हर वीडियो में आपको बताती भी हूँ कि जब भी आप आपने उरे पट्टी लगानी है ना उसको आपने खींचना नहीं है ये देखो इस तरह से पूरी मैं इस पर सिलाई लगा के कंप्लीट करूँगी और फ्रेंड्स आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये कैसा लगा आइडिया कैसा लगा अगर आपके पास भी इस तरह के छोटे छोटे कपड़े भी पड़े हैं ना तो उनको आप कभी भी फेंकिए मत इस इस तरह से आप देखिए किचन के लिए लंबे साइज़ के जैसे होते हैं ना किचन के लिए मैट जहाँ पे हम खाना बनाते हैं और बर्तन धोते हैं सिंक के पास उसके लिए भी इस तरह के मैट बड़े साइज में लंबे साइज़ में आप बना सकते हैं बीच में प्लास्टिक की बोरी डाल के ताकि आप किचन में जब भी खाना बनाते हैं या बर्तन धोते हैं वहाँ पर पानी तो गिरता ही है जब हम काम करते हैं हल्के थोड़े बहुत छींटे पानी के लग जाते हैं तो इस तरह के मैट अगर आप किचन के लिए भी बना लेते हैं ना तो आपका किचन बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा और बिल्कुल एकदम से साफ़ रहेगा जब भी इसमें कोई पानी वगैरह गिरेगा तो नीचे फ्लोर पे भी नहीं जाएगा क्योंकि इसमें हमने प्लास्टिक की बोरी डाली है जो कि एकदम से वाटर प्रूफ है इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं जाएगा या बच्चों के लिए खाने के लिए आप बना सकते हैं बड़ों के लिए बना सकते हैं अगर हम फ्लोर पर बैठ के खाना खाते हैं तो खाना खाने के लिए भी इस तरह के मैट जो हैं हम बना सकते हैं डाइनिंग टेबल के लिए बना सकते हैं देखिए अब मैंने यहाँ पे लेस लगा ली लेस के साथ इसको अच्छे से डेकोरेट कर दिया आ, इस तरह से पट्टी ना इतनी अच्छी नहीं लग रही थी लेकिन जब मैंने लेस लगाई ना तब मुझे ये ज़्यादा अच्छी लगी ये देखिए जीग जैग वाली लेस मैंने इस पर लगा दी है तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा हमारा ये फ्लोर मैट जो है बन के रेडी हो गया है और वो भी बिल्कुल फ्री में इसमें एक भी पैसा हमने खर्च नहीं किया है बस हमने लेस लगाई है और हमने सारी चीज़ें जो हैं पुरानी ही इसमें यूज़ की है प्लास्टिक के बैग का यूज़ किया है पुरानी कतरन का यूज़ किया है और एक मेरे पास ये जो नेट का कपड़ा पड़ा था ये भी मेरे पास काफ़ी टाइम से पड़ा था पुराना तो उसी का यूज़ किया है क्विल्टिंग भी इसमें बहुत ही प्यारे तरीके से हमने की है बिल्कुल राउंड राउंड में तो इसका लुक काफ़ी अच्छा आया है आप जरूर बताइएगा आपको कैसा लगा और फ्रेंड्स अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए आइडिया के साथ तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर एंड थैंक यू